एल्बम का मतलब मैसेज यही है कि यार जो भी आप हो आप रियल रहो और जिंदगी में जो भी आपकी परेशानियां हो उसका डटकर सामना करो और एक ना एक दिन सुबह निकलती है काली रात के बाद और सब कुछ सही हो जाता है यार। और अगर मैंने करा तो आप भी कर सकते हैं। और मेरे अंदर की बातें हैं और सब लोगों की बातें हैं, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो झूठी हो। ये सब रियलिटी बेस्ड है क्योंकि जो मैं देखता हूँ मैं वही लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं शीशा हूँ, मैं जो सोसाइटी का शीशा जो मेरे को दिखता है मैं उसको उतारने की कोशिश करता हूँ अपने पन्नों पर। तो बस यही था मेरा आइडिया। आए एल्बम का नाम इसलिए क्योंकि एक तो मेरा जो फर्स्ट लेटर एक का वो आए है और बचपन में मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी रोमन हत्यारा सुपर कमांडो ग्रुप की और तब से मेरे को रोमन कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा यार ये कितने मतलब बलशाली होते हैं, कितने पावरफुल करेक्टर है, मतलब ये इसने उसका हेलमेट पहना रोमन का उसमें इतनी पावर आ गई कि दुश्मन में हाथियों गिरा दिया। तो वहाँ से रोमन मेरे दिमाग में था। फिर ना रोमन जो न्यूमेरिकल उनकी जो गिनती होती है वन को आए लिखते हैं, दो को डबल आए लिखते हैं, तो वहाँ पर जो आए था उसका एक नंबर था और मैंने कहा मेरे नाम का पहला अक्षर भी आए है तो मेरे दिमाग में सिर्फ आए था और वो मैंने कहा नंबर वन भी बन रहा है और आए मेरे बारे में पूरी एल्बम है तो इट्स मी। तो बस फिर मैंने कहा आए इज द नेम। लॉकडाउन में मुझको बहुत ही हेल्प मिली क्योंकि मेरे को टाइम था पूरा प्रॉपर, मैंने कहीं जाना नहीं था और कहीं आना नहीं था, किसी से मिलना नहीं था, तो मैं अपने आप को टाइम दे पाया और कोई काम नहीं था मेरे पास इसके अलावा कि मैं कुछ नया लिखूं। और बहुत इजी था क्योंकि खाली स्पेस था और मैंने काम करा क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करता तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैंने इट्स बेटर कि मैं कुछ उसको ना टाइम को यूटिलाइज करता हूं यार रदर देन कि मैं उसको वेस्ट करूं। तो ऐसे करके मैंने अपना टाइम दिया और बहुत ही मतलब कुछ तो मैंने जैसे बताया कि वर्स पहले लिखे हुए थे तो कुछ मैंने गाने इस दौरान बनाए, लॉकडाउन के दौरान बनाए, जो नए गाने अंगार मैंने इस दौरान बनाया और PS4 Pro मैंने इस दौरान बनाया, आजकल मैंने इस दौरान बनाया और यस तो काफ़ी मेरे को हेल्प मिली लॉकडाउन में अपने आप को टाइम देने के लिए। मतलब ये नौ गाने इस एल्बम में नौ गाने थे और बनते चले गए। एक्चुअली मेरी आदत है मैं अपने घर में बैठता हूँ स्टूडियो में और मैं यूट्यूब खोल के इंस्ट्रूमेंटल प्ले करता हूँ और कुछ भी अपने आप ऑटोमेटिक जो भी मेरे को वाइब आती है तो मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सारे गाने ऐसे बने, कई वर्स मेरे पास पहले लिखे हुए थे और कई आइडियाज कई हुक्स मेरे पास पहले पड़े हुए थे तो मैं सबको कंपाइल करके नया भी लिखा उसके अंदर, फिर जो पहले लिख रखा था उसको भी मैंने ठीक करा, उसको पॉलिश करा और ऐसे करके मेरी एल्बम बनी है। बोली नहीं ना हमने अंग्रेजी इतनी कहीं जाके, अरे अभी सब बोलेंगे जमना पार्टी में पूछते हमारे सारे और के करंगा उधर आ भाई छोरा।